गरियाबंद में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ की कंडिया हाई स्कूल के लिए 2006 में 22 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन इन 13 सालों में भी स्कूल का भवन कंप्लीट नहीं हुआ और ठेकेदार ने अधिकारियों के साथ मिलकर निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया और सिर्फ ईंटों से ही ढांचा खड़ा कर दिया है और पूरी राशि डकार ली गई, जिसका खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अब उठाना पड़ रहा है। गरियाबंद के आमली पदर कन्या हाई स्कूल के लिए 22 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। पुरुषोत्तम पात्रा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कक्षाओं में प्लस्तर ठीक ढंग से नहीं होने के कारण वहाँ दरारें आई हैं और फ्लोरिंग भी नहीं हुआ है और बाथरूम की भी सुविधा हो रही है, बाथरूम भी ठीक ढंग का नहीं बना है यहाँ पर और कक्षा में फैन भी नहीं लगा है, तो यहाँ बहुत दिक्कत जा रही है हमें। शासकीय स्तर पर उस समय ठेकेदार के द्वारा श्री लखन साहू मैनपुर के द्वारा बनाया जा रहा था, वो बताया कि 22 लाख का स्वीकृत हुआ है और आज तक ये भवन हमारा अधूरा है। इसके बावजूद स्कूल में बच्चे अध्यापन कार्य करने के लिए मजबूर है। पूर्ववर्ती जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से श्रेय की राजनीति दे रहे के होड़ के चलते अधूरे काम को भी अनदेखी करके अपनी सरकार को उपलब्धि झूठी। आज हम लोगों ने प्रभारी मंत्री और जिले प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री से पूरी तरह से अवगत कराया है और पुरुषोत्तम पात्र हमारे साथ जुड़े हुए। पुरुषोत्तम, ताजा अपडेट पूरे मामले में इस भ्रष्टाचार को लेके। जिस तरह से एक बिल्डिंग की सेंक्शन होती है तो उसमें प्रावधान यही होता है कि बिल्डिंग पूरी तरह से उसमें खिड़की दरवाजे लगे, फ्लोरिंग हो, उसके प्लास्टर होने चाहिए और बिजली लगना चाहिए, इसके अलावा जो जरूरी है शौचालय की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए भी। लेकिन जो 2006 में 22 लाख की जब इसकी स्वीकृति मिली और 2009 तक इसमें केवल अधूरे काम हुए, ना तो फ्लोरिंग हुआ, ना प्लास्टर हुआ, ना तो दरवाजे लगे, केवल ईंट से ढांचा तैयार कर दिया गया था, जिसमें उसके बाद जब शाला विकास समिति ने दबाव बनाया तो किसी तरह 2009 में इस अधूरे भवन को सीएम जो तत्कालीन सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह से लोकार्पण करवा दिया गया और ये दबाव बनाया गया कि इस बिल्डिंग का अब लोकार्पण हो चुका है और हर हाल में यहाँ पे स्कूल लगाना है, तो इस तरह के भी दबाव वहाँ पे मिली भगत करके बनाया गया था। अभी जब सरकार चेंज हुई, वहाँ के शिक्षा समिति प्रबंधन की समिति बदली, तो बैठक में इस बात का खुलासा हुआ कि इस तरह से दबाव बनाया गया था अधूरे बिल्डिंग को, किस तरह 22 लाख की बिल्डिंग में बमुश्किल से 12 से 15 लाख रुपए ही खर्च किए और उस बिल्डिंग में किस तरह से दबाव बनाया गया, ये मामला जब सामने आया तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके थे संजय नेताम, इन्होंने प्रभारी मंत्री से शिकायत की है और मामले में जांच की मांग की है। शुक्रिया जानकारी के लिए।